फ्रेंड्स, आज हम किचन वॉल टाइल्स के डिज़ाइंस देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो भी डिज़ाइंस है वो लेटेस्ट डिज़ाइंस के साथ है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो जब भी हम किचन में वॉल टाइल्स लगाते हैं तो हमें दो तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहला आता है क्वालिटी। तो पहले आपको अच्छी क्वालिटी के टाइल्स लेना है, क्योंकि उसमें हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब भी आप टाइल्स लेते हो तो अच्छी क्वालिटी का ही लेना। जैसे कि मार्केट में कई तरह के क्वालिटी के टाइल्स आते हैं, तो उसके रेट भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी आप लोगे तो आप अच्छी क्वालिटी का ही लेना, क्योंकि उसे हम मेंटेन करने में भी इजी हो सके और वो जल्दी खराब ना हो। दूसरा आता है टाइप्स। दोस्तों, टाइल्स के कई टाइप्स होते हैं और उसमें हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे कि सिरेमिक टाइल्स, पोर्सलेन टाइल, ग्लास टाइल्स, मार्बल टाइल, इस तरह के कई टाइप्स के टाइल्स आते हैं। लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो सिरेमिक टाइल है, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली भी है और हमारा दूसरा बेनिफिट ये है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है और उसको साफ करने में भी आसानी होती है और जल्दी खराब भी नहीं होते। हमारा तीसरा पॉइंट है रेट। अगर रेट की बात करें तो आप किस तरह के टाइल्स लगाना चाहिए तो उस पर ये निर्भर होती है। अगर आप 18x12, जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ज़्यादातर मैंने 18x12 के डिज़ाइन दिखाए हैं, और अगर आप शॉप पे जाओगे तो आपको अलग अलग डिज़ाइंस देखने मिल सकेंगे, क्योंकि डिज़ाइंस में कई तरह के हजारों, 2000, 5000, 10000 तक के डिज़ाइंस आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आप 18x12 की बात करें तो उसमें दो प्रकार के टाइल्स आती है, एक तो है वाटरप्रूफ और दूसरा है नॉन वाटरप्रूफ। तो इसमें प्रीमियम और नॉन प्रीमियम भी आती है, लेकिन इसमें मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, जो कि एक वाटरप्रूफ है। तो अगर इसके रेट की बात करें तो 18x12 की वो 230 रुपये से लेकर 350 रुपये तक आपको उपलब्ध होगा पर बॉक्स। और उसमें दूसरा एक साइज आता है 24x12, अगर उसकी बात करें तो हम 350 से लेकर 450 रुपये तक आपको चार्ज होगा। और ये एक बॉक्स में 5 पीस आते हैं और ये 10 फीट एरिया आपका कवर कर सकता है। और जो 18x12 का है वो उसमें 6 पीस आते हैं और वो 9 फीट एरिया कवर होता है। और हमारा अगला पॉइंट करें तो डिज़ाइन। तो जब भी आप टाइल्स लेते हो तो आपको डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। तो आपको डिज़ाइन करते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जो टाइल्स जो ले रहे हो वो आपके किचन कैबिनेट्स, काउंटर टॉप्स और आपके जो किचन के कलर के जो रूम्स है उसको साथ प्रॉपरली मैच होना चाहिए, ताकि आपके किचन के इंटीरियर में 4 चांद लग जाए। तो इसी वीडियो में मैंने अच्छा सा अच्छा डिज़ाइन लाया है, ताकि आपको एक सिलेक्ट करने में आसानी हो। तो इस वीडियो पे आप देख सकते कई तरह के डिज़ाइन अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किचन में टाइल्स लगाते हो तो आप प्रॉपर प्लान करके चलना, क्योंकि आप किस कारीगर को काम करने के लिए दे रहे हो, रेट क्या वो आपसे चार्ज करने वाला है। आप हो सके तो मैं तो सजेशन करूंगा कि आप 2-3 ठेकेदारों से आप रेट पता करना, ताकि आपको मालूम हो सके कि कितना एक्चुअली खर्चा होने वाला है और मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो आपको किचन के दीवारों के टाइल्स लगाने के लिए, और यदि अगर आपको 2-3 ठेकेदारों से पूछताछ करोगे तो आपको रेट में नेगोशिएशन भी करने मिलेगा, और उसमें जो आप सही ठेकेदार को चुन सकोगे कि आपके बजट में भी बैठेगा और आप जिस तरह के प्रकार के टाइल्स लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो। और हमारे किचन पे टाइल्स लगाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे किचन का इंटीरियर के लिए होता है। अगर आप टाइल्स लगाते हो तो आपको जो किचन में हम कुकिंग करते जो उसका धुआं निकलता है, अगर आप टाइल्स नहीं लगाओगे तो वो दीवारों पे लगेंगे और फिर उसको आपको साफ करने के लिए बहुत तकलीफ होगी, वो निकलेंगे भी नहीं और आपका जो किचन का इंटीरियर है वो भी गंदा दिखने लगेगा। तो अगर आप टाइल्स लगाते हो तो आपका सबसे बेनिफिट ये है, पहला पॉइंट कि आपका किचन इंटीरियर अच्छा दिखेगा, दूसरा ये है कि अगर जो धुआं लगेगा वो किचन टाइल्स पर लगेंगे तो आप उसको आसानी से साफ कर सकते हो, कोई भी गिल्ला कपड़ा लेके आप साफ कर सकते हो आसानी से। और तीसरा ये है कि आप प्रॉपर मैचिंग वाला ही लगाना, ताकि आपके किचन इंटीरियर में सबसे अच्छा दिखने लगे। और जो मैंने इस वीडियो में जो डिज़ाइन दिखाए वो अभी पॉपुलर
ट्रेंडिंग वाले ही टाइल्स दिखाए हैं ताकि आपको एक अच्छा डिजाइन आइडिया मिल सके किस तरह का डिजाइन आपके किचन के लिए परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मुझसे कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए या मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेल आईडी मेंशन किया है, आप मुझे मेल भी करके बात कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करूँ। और फ्रेंड्स, तो मैं जाते जाते यही बोलना चाहता हूँ कि आप किचन के जो वॉल टाइल्स है वो सबसे अच्छा क्वालिटी वाला ही चुनना, क्योंकि वो हमें हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप कोई लो क्लास वाले लेंगे तो अगर उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा, बार बार टूटने के भी ज़्यादा चांस है। अगर कुछ गर्म, जैसे हम किचन में कुकिंग करते हैं तो उसकी गर्मी की वजह से भी आपको क्रैक आने के ज़्यादा चांसेस है, फिर उसको आपको चेंजेस करना पड़ेंगे। तो अगर वो टाइल्स के डिज़ाइंस नहीं मिले तो आपको ज़्यादा पूरा टाइल्स निकालना पड़ेंगे। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ आप अच्छा क्वालिटी का लेना और एक दो बॉक्स एक्स्ट्रा मंगा के रखना, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है वो डिज़ाइन बंद हो जाए। अगर आपका इन केस कुछ एक टाइल ख़राब हो जाए तो आप उसको निकाल के चेंज कर सकते हो, ताकि ये ना हो कि आपको पूरे टाइल्स चेंज करना पड़े। तो आप एक हाथ बॉक्स एक्स्ट्रा रख लेना जब भी आप लाते हो। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।